हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री का पांचवा पार्ट है, जिसका पाठ का नाम है पृष्ठ रसायन। इस पाठ में आपको हम एक ऐसे प्रश्नों की समूह को लेकर आए हैं जिसमें आपको टॉप 8 हो सकते हैं। इन 8 क्वेश्चन को याद कर सकते, जैसे पिछले आपको कुछ चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसी तरह सेम हम इस बार भी लेकर आए हैं। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर के चाहते हैं तो आपको टॉप 8, टॉप 6, टॉप 10 तक क्वेश्चन हैं हर एक पार्ट से। बस अभी मान के चलिए टॉप 8 है, टॉप 6 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100-150 क्वेश्चन बनने हैं पूरे पार्ट पर, पूरे किताब में से। तो आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसके लिए आपको हमारे जाके प्ले लिस्ट चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। तो वीडियो को देर नहीं करेंगे, चलेंगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और भला या बुरा कमेंट कर दीजिए जिससे हमें कुछ न कुछ सलाह मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरक को उदाहरण द्वारा समझाना है। इसको आपको बढ़िया से याद कर लेना है और इसे पॉज करके लिख लेना है, अच्छी से तैयारी कर लेना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है एंजाइम उत्प्रेरक क्या है और एंजाइम उत्प्रेरक का नाम लिखना है। जैव उत्प्रेरक से क्या समझते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक एंजाइम उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक जो भी है इनके एंजाइम, इनको याद कर लेना है और लिख करके याद कर लेना जिससे कि आपको सहायता मिल सके परीक्षा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व उत्प्रेरण, उत्प्रेरण की ये भी एक ब्रांचेज है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और आपके ये संबंध जो है उसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं परिभाषित कीजिए, जितने भी अधिशोषण, अधिशोषक, अवशोषक और विशोषण, अवशोषण और अवशोषण एंथैल्पी, तो इन सबको आपको एक टिप्पणी छोटी छोटी लिख लेना है। ये आपको अलग अलग पर क्वेश्चन आ सकता है, टिप्पणी पर भी आ सकता है, तो आपको इसको याद कर लेना है अलग अलग चाहे टिप्पणी द्वारा, जैसे भी आपको बनता है उस तरह याद कर लीजिएगा। और इधर आपको एक डिफरेंस है आपका भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है स्वर संख्या, स्वर संख्या के बारे में आपको टिप्पणी कर लेना है, याद कर लेना चाहे जहाँ से। हार्ड एसोल से का नियम जो होता है इसको भी याद कर लेना, और ब्राउनी गति क्या होता है इसको भी याद कर लेना है। ये तीन क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 10, 11 और 13, इनको क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि आपको पॉज करके लिखना है। तो ठीक है, अगला है टिंडल प्रभाव को समझाइए। टिंडल प्रभाव को आपको क्या क्या इसके बारे में आपका परिभाषा है, और क्या इसके जो फिगर्स हैं जो भी इसको तैयार कर लीजिएगा, जितना बनता है आपको तैयार करने में उतना तैयार कर लीजिएगा, आपको आने में बहुत ही लाभदायक रहेगा परीक्षा में। उसके बाद पेप्टन किसे कहते हैं, पेप्टन या पेप्टीकरण जिसको कहते हैं, पेप्टीकरण या पेप्टन इसके बारे में आपको देख लेना है। ये आपका 14 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर चाहे याद करें चाहे मत याद करें, 14 नंबर केवल पेप्टन या पेप्टीकरण। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साबुन की पासीकरण या मिसेल बनाएंगे, मिसेल के बारे में या साबुनीकरण के बारे में कर लेना है, चाहे इससे चाहे आपके जो भी पुस्तक है उसके बारे में याद कर लीजिएगा। साबुनीकरण या पाइस जिसको कहते हैं मिसेल बनाने में, मिसेल क्या है इसके बारे में। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको थे, आपको केवल 8 ही क्वेश्चन मिले होंगे, मतलब कहने का मतलब और छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनको कैटेगरी में नहीं रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन आपको तैयारी करना है, 8 क्वेश्चन, इससे तैयारी करके आप इस पार्ट को अच्छे से मार्क्स कर सकते हैं, और इस तरह के हर पिछले पार्ट जो पिछले मतलब अध्याय के जो पार्ट्स हैं उसको हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट आपके प्लेलिस्ट में जल्द ही मिल जाएंगे। बस आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए और चैनल पर बने रहिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे तुरंत नोटिफिकेशन मिले, हर दिन हम वीडियो डालते रहते हैं, और हाई स्कूल और इंटर संबंधी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट की मिलते रहेंगे। और अगर आप मोबाइल और कंप्यूटर्स के शौकीन हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके बारे में ही आप कमेंट कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें, क्या है, कैसी वीडियो चाहिए, मोबाइल और कंप्यूटर की भी प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संबंधित सारे जितने भी हैं सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो अच्छा करते वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल शेयर एंड सोशल नेटवर्क पर। ठीक है, चलिए वीडियो करते हैं एंड, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।